तो हम लोग कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आज हम करेंगे इसका लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में क्या क्या होगा? लास्ट लेक्चर में आएगा एक स्पेशल टाइप का सर्कुलेशन जो कि हार्ट के अंदर होगा, उसके अलावा और भी चीजें होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट है, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। सही है। अच्छा, अगर अगर पेड़ों पर नए पत्ते भी आने होते हैं ना, तो पहले पत्ते गिर जाते हैं और उसके बाद पता है प्लांट ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्या हो गया है, मर गया है। लेकिन आपने देखा होगा उसके बाद बिल्कुल पौधे हरे भरे हो जाते हैं। यानी इसी तरह जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक अच्छे दिन नहीं आएंगे, है ना। मोदी जी वाले अच्छे दिन नहीं, आप वाले अच्छे दिन, समझे। कल हम लोग ने किया था ईसीजी। ईसीजी के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। इसका क्या नाम है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना। ग्राम होता है जो ग्राफ मिलता है, ठीक है ना। जैसे बताओ ये क्या है, व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सही है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ये मशीन क्या है? चलो ये बात बिल्कुल क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने बताया था ईसीजी में कितनी वेव्स मिलती हैं? पांच। पहली वेव पी, फिर क्यू, आर, एस, फिर टी। इसमें से पॉजिटिव वेव्स कौन सी हैं? पी, आर और टी। पी, आर और टी, देखो पी, आर और टी। इसमें से निगेटिव वेव्स कौन सी हैं? अच्छा, ओल्ड पर्सन में कौन सी वेव्स फ्लैट हो जाती है? ओल्ड पर्सन में टी वेव फ्लैट हो जाती है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? टी वेव फ्लैट हो जाती है, सही है ना। अच्छा बताओ ये किस चीज को दर्शाता है? ये एट्रियल सिस्टोल को दर्शाता है। एट्रियल सिस्टोल को आप बोल सकते हो आरिकुलर एक्साइटेशन या आरिकुलर डीपोलराइजेशन। ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को दर्शाता है। क्यू आर एस क्या दर्शाएगा? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। जबकि बताओ ये क्या शो करेगा? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, सही है कि नहीं है। अच्छा, सभी का जो हम सबका ईसीजी निकाला जाएगा उसका रफ जो वो आएगा आइडिया, वो लगभग सेम आएगा ना। अगर किसी का अलग आया तो उसे कोई ना कोई हार्ट डिजीज हो सकती है। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि नहीं है? है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। समझ में आई बात? चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, कहीं पे भी अगर हिपैटिक वर्ड आ जाए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? हिपैटिक का मतलब क्या होता है? लिवर। हिपैटिक का मतलब होता है लिवर। लार्जेस्ट ग्लैंड है कि नहीं है? वेट बताओ, 1.2 से 1.5 केजी। अच्छा, राइट हैंड पे होता है ना, एब्डोमेन के राइट हिस्से में कि लेफ्ट हिस्से में? कितने लोब होते हैं? दो लोब होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, एक लेफ्ट और एक राइट, दो लोब होते हैं। ये हो गया लेफ्ट लोब, ये हो गया राइट लोब। इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का नाम बताओ। हाँ, अब सुनना मेरी बात। ये है जीआईटी। जीआईटी समझते हो ना आप? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी हमारे आहार नाल का भाग। जीआईटी का पूरा नाम क्या होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट।
गैस्ट्रो मतलब क्या होता है, स्टोमक, और इंटेस्टाइनल मतलब आंत, यानी ये इन दोनों को मिला के बोलते हैं जीआईटी। गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है, स्टोमक, इसका मतलब होता है हमारी आंत यानी इंटेस्टाइन, ठीक है। इसी ट्रैक को हम लोग रफली जीआईटी कह देते हैं, ठीक है। अब यहां से जो ब्लड आता है ना, यहां से ब्लड यहां जाता है, पहले यहां से ब्लड कहां जाता है, लिवर में। बताओ जीआईटी का ब्लड पहले कहां जाता है, यानी पचा हुआ खाना पहले कहां जाएगा, पचा हुआ खाना पहले कहां जाएगा, ब्लड में, और ब्लड से कहां पहुंच जाएगा, लिवर में, ठीक है। लिवर क्या करेगा, अगर उसमें ग्लाइकोजन ग्लूकोज ज्यादा है तो ये उसे ग्लाइकोजन में बदल देगा, अगर ग्लूकोज और ज्यादा है तो इसे फैट में बदल देगा, और विटामिन वगैरह को कुछ को स्टोर कर लेता है, कुछ को स्टोर नहीं कर पाता है। उसके अलावा और क्या करता है, और बहुत सारे नेसेसरी एडजस्टमेंट कर देता है, यानी ये एक तरह का देखो तो क्या है ना कि एक तरह का प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर क्या करता है, कम चीजें हैं तो अधिक कर देगा, अधिक है तो कम कर देगा, ताकि हमारी शरीर की आवश्यकताएं पूरी होती रहे। सोचो जरा, जरूरी है कि क्या आज आपने सुना कल भी खाओगे, क्या गारंटी है, क्या आपने आज शुगर खाया है कल भी खाओगे, गारंटी है, या कल आज आपने नमक खाया है कल खाओगे, गारंटी है, नहीं है, ठीक है ना। तो जो चीज कम होती है ये उसमें मिला देता है, और जो चीज ज्यादा होती है रोक लेता है, ठीक है ना। जैसे बताओ आज आपने 6 रोटी खा ली, आपकी भूख थी 4 रोटी की, लेकिन टेस्टी खाना मिल जाता तो हम लोग 6 रोटी खा लेते हैं। अब 6 रोटी खा ली तो बताओ 2 रोटी एक्स्ट्रा आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा, रोटियां मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा आ गया ये उसको क्या करेगा, फीकल मेटल के थ्रू निकाल देगा कि रोक लेगा, रोक लेगा। और कल जब आप 2 ही रोटी खाओगे, भूख थी कितने रोटी की, 4, आपने कितनी खाई, तो ये जो 2 रोटी की कमी थी ना उसकी किसने सप्लाई कर दी, उसकी पूर्ति किसने कर दी, लिवर ने। तो लिवर चाहे तो क्या करता है, एक्स्ट्रा लेता है, और अगर कल आपने एक्स्ट्रा खाना नहीं खाया तो ये उसकी पूर्ति कर लेता है, सही है ना। आप खुद बताओ, जब हम फास्ट रहते हैं, जब हम व्रत रहते हैं, तो फिर क्या होता है, उस समय हम खाना वाना खाते नहीं है, तो उस समय हमारी बॉडी की एनर्जी कहां से मिलती है, ये जो ग्लाइकोजन स्टोर हो गया है ये टूटेगा, और ये टूट के किसमें बदल जाएगा, ग्लूकोज में, और यही ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर ऑक्सीडाइज होगा और हमें ऊर्जा मिल जाएगी। इज दैट क्लियर, इसीलिए खाना यहां से आ गया। अच्छा, खाना जो ली गई, इसका नाम है हिपेटिक कौन सी वेन, हिपेटिक पोर्टल वेन, हिपेटिक पोर्टल वेन। अब जरा सुनना, यहां से एक ब्लड वेसल वापस आती है, और वो यहां पे सप्लाई कर देती है, कहां सप्लाई कर दी, इसका नाम होता है, इसका नाम होता है हिपेटिक वेन। और कल भी बताया था कि जो वेन होती है वो हार्ट की तरफ ब्लड ले जाती है ना, और आर्टरी हार्ट से दूर ब्लड ले जाती है। बताओ, 2 तरह की वेन हो गई, आपने देखा हिपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, यही है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। ब्लड डायरेक्ट एक ऑर्गन से हार्ट में नहीं गया, दूसरे ऑर्गन में नहीं गया, ब्लड डायरेक्ट जीआईटी से, जो कि एक ऑर्गन है, उससे दूसरे ऑर्गन यानी हार्ट में नहीं गया। तो कहां गया, पहले किसी और ऑर्गन में गया, तब वहां से बाईपास होते हुए फिर वो दूसरे ऑर्गन में चला गया। दिस इज नोन एज हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। बताओ, यदि ब्लड डायरेक्ट हार्ट में ना जा करके पहले किसी अन्य ऑर्गन में जाए, और फिर कहां जाए, फिर दूसरे ऑर्गन में जाए, तब इसे क्या बोलते हैं, तब इसे बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। बताओ, ये एक ऑर्गन है कि नहीं है, इस ऑर्गन का ब्लड पहले कहां गया, लिवर, वो भी एक ऑर्गन है, और फिर यहां का ब्लड चला गया हार्ट में, तब इसे बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो एक ऑर्गन से स्टार्ट हो, दूसरे ऑर्गन पे खत्म हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। या फिर एक और डेफिनेशन है, एक कैपिलरी से स्टार्ट हो, दूसरी कैपिलरी पे खत्म हो, तो उसे भी बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। या तीसरी परिभाषा है कि अगर एक ऑर्गन का ब्लड डायरेक्ट हार्ट में ना जाए, बल्कि पहले किसी और ऑर्गन से बाईपास होके चला जाए,
तो इसे बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। बताओ उस वेन का नाम जो जीआईटी से लिवर तक जाएगी, हिपैटिक पोर्टल वेन। बताओ जो लिवर से हार्ट तक जाएगी, हिपैटिक वेन। और ये वाला पोर्टल सिस्टम दुनिया के ध्यान से सुनना, दुनिया के सभी वर्टिब्रेट्स में होता है, दुनिया के सभी वर्टिब्रेट्स में होता है। बताओ किसमें प्रेजेंट होता है, और वर्टिब्रेट्स में क्या क्या आता है। पांच लोग आते हैं वर्टिब्रेट्स में, फार्मूला याद है, फार्मा मतलब क्या, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, मैमल, एप्स। हिंदी में सुनो, मत्स्य ग्रुप, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी। बोलो सही है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना। तो ये हो गया हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। समझ आ गई बात, क्लियर है सारी बातें, बढ़े आगे बढ़े। चलो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। पोर्टल सिस्टम क्या होता है, पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है जो एक ऑर्गन से स्टार्ट हो या फिर जो कैपिलरी से स्टार्ट हो वह कैपिलरी पर फिनिश्ड हो, या फिर हार्ट, फिर क्या, ब्लड डायरेक्टली हार्ट में ना जाकर किसी ऑर्गेन के द्वारा बाईपास हो। पोर्टल सिस्टम की परिभाषा, और पोर्टल सिस्टम किसमें पाया जाता है, दुनिया के सभी वर्टिब्रेट्स में, और सभी वर्टिब्रेट्स में क्या क्या आ जाएंगे, फार्मा। जो एक ऑर्गन से स्टार्ट हो दूसरे ऑर्गन पर फिनिश्ड हो, जो एक कैपिलरी से स्टार्ट हो और कैपिलरी पर फिनिश्ड हो, या जो डायरेक्ट हार्ट में ना जाकर किसी ऑर्गन के द्वारा बाईपास हो, उसे बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग है कोरोनरी सिस्टम। अब ये कोरोनरी सिस्टम क्या होता है, इट इज रिलेटेड विद द हार्ट सर्कुलेशन।
ये हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई करने वाला सिस्टम है. इट इज द सिस्टम, इट इज द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. Which supply the blood to the heart muscles. ये ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जो हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करेगा. ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जो हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई करेगा. कैसे? देखो, ये है हमारा हार्ट. यहां जो ब्लड लेके आएगा, हार्ट को खुद भी तो ब्लड की जरूरत है ना, कि हार्ट को ब्लड की जरूरत नहीं है? हर ऑर्गेन को ब्लड की जरूरत है, तो हार्ट भी तो एक ऑर्गेन है ना, तो हार्ट को खुद भी ब्लड की जरूरत है. ये रहा हार्ट, दैट हर्ट्स यू, और ये सप्लाई हो रही है इधर से इधर, ठीक है ना, ये इधर से इधर सप्लाई हो रही है, और इसका नाम है कोरोनरी आर्टरी. क्या नाम है इसका? कोरोनरी आर्टरी. कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे सप्लाई कर देता है? हार्ट में. कोरोनरी आर्टरी हार्ट में ब्लड सप्लाई कर देता है. कभी कभी क्या होता है, इसमें ब्लड का थक्का जम जाता है, कभी कभी इसमें ब्लड का थक्का जम जाता है, तो हार्ट की मसल को क्या सप्लाई मिल पाएगी? तब हो जाएगा हार्ट अटैक, तभी होता है हार्ट अटैक, और अभी हम लोग पढ़ेंगे. तो बताओ, हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई कर रहा है? कोरोनरी आर्टरी. ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड. अच्छा, और यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोई वापस भी तो ला रहा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोई वापस भी तो ला रहा होगा, ठीक है. उसे क्या बोलते हैं? उसका नाम उल्टा कर दो, कोरोनरी वेन. कोरोनरी वेन में कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड. बस इसी को बोलते हैं कोरोनरी सिस्टम. कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको बताया यहां पे कोलेस्ट्रॉल वगैरह इकट्ठा हो जाता है. कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है तो यहां पे क्या हो जाता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड बोलेंगे. कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में. कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज. तो फिर बताओ, हार्ट की मसल को ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा कि कम? अगर हार्ट की मसल को कम ब्लड सप्लाई होगा तो खुद ही बताओ ना, हार्ट को ना तो ऑक्सीजन मिल पाएगी, और ना ही फूड मिल पाएगा, ना ही विटामिन और मिनरल्स मिल पाएंगे, और ना ही जरूरी पदार्थ मिल पाएंगे. हार्ट क्या हो जाएगा? हार्ट कमजोर हो जाएगा, हार्ट पर अटैक हो गया. इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक, या फिर बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फारेक्शन. याद आया? इज दैट क्लियर? बढ़े आगे. अब देखो, यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं? यहां तक चीजें क्लियर हो गई कि नहीं? यहां तक चीजें क्लियर हैं? अब इसके आगे बढ़ते हैं. Thank you.
रेगुलेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी, रेगुलेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी, हार्ट के का रेगुलेशन या कंट्रोल देखने जा रहे हैं। अब जो हार्ट की एक्टिविटी होती है ना, वो कैसे कंट्रोल होती है? देखो, पहले तो आपको पता है कि हार्ट की जो बीट्स पैदा होती हैं, वो बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुली के पैदा होती हैं। वो कैसे पैदा होती हैं? वो होती है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब हार्ट खुद की बीट खुद ही पैदा करता है। हार्ट खुद की बीट खुद ही पैदा करता है, और जब हार्ट खुद की बीट खुद ही पैदा कर रहा है तो हमने उसे बोला था ऑटो रेगुलेटरी या ऑटो एक्साइटेबल, बताया था कि नहीं। इसका मतलब हार्ट जो होता है वो खुद ही बीट पैदा करता है, और हार्ट जिस जगह से बीट पैदा करता है उसे क्या बोलते हैं? एस ए नोड। क्या बोलते हैं? एस ए नोड। इसका अलावा हमारा हार्ट मायोजेनिक है कि न्यूरोजेनिक? तो खुद ही बीट पैदा कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा हमारी हार्ट बीट जो होती है वो कंट्रोल करने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम भी जिम्मेदार है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों जिम्मेदार है। देखो, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा पोन्स है। पोन्स के नीचे क्या होता है? मेडुला, बताया था दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे आखिरी भाग है, ये ब्रेन का सबसे आखिरी भाग है, याद है ना। कि मेडुला के अंदर था आरआरसी, आरआरसी का पूरा नाम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और वहीं पे था एक और चीज सीएसए, कीमो सेंसिटिव एरिया, और पोन्स में था न्यूमोटैक्सिक एरिया, याद कुछ, ठीक है ना। और पोन्स में आगे और भी चीजें बताऊंगा जो कि एस्क्रिटरी सिस्टम में आप पढ़ोगे, राइट। तो मेडुला में एक और सेंटर होता है जिसका नाम है कार्डियक सेंटर। कौन सा सेंटर? और ये संबंधित होता है एएनएस से। एएनएस का पूरा नाम होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इसको मैं हमेशा कहता हूं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये अपने आप काम करता है। ऑटोमेटिक चीजें आपकी इच्छा से काम करती है अपने आप। जैसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, कपड़ा डालो लास्ट में वो अलार्म दे देगा, धुल गया निकाल लो। उसका बस चले तो फैला भी दे। बस नहीं चला है अभी, है ना, अभी ट्रेनें चल रही है, तो जब बस चलेगा तो फैला भी देगा। कुछ दिन बाद आएगा वही जमाना, क्या पता लगा ऑटोमेटिक रोबोटिक्स आ जाएगा। रोबोटिक्स में क्या हुआ, आपका कपड़ा शरीर से निकाल लेगा बटन खोल के, और उसके बाद पता है उसमें डाल देगा ऑटोमेटिक, और उसके बाद पता है क्या होगा, निकाल के फैला के फिर पहना भी देगा। सुबह सुबह आप तैयार मिलोगे। आएगा जमाना, दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है, क्योंकि जमाना बहुत एक्टिवली आगे बढ़ रहा है। चलो, तो कार्डियक सेंटर, कार्डियक सेंटर कहाँ पे है? मेडुला में। और ये किसके कंट्रोल में है? एएनएस। एएनएस मतलब क्या? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। और ये हमारे कंट्रोल में तो क्या ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक है। तो ये क्या करता है? ये हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ये एस ए नोड की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है। ये जरूरत पड़ने पे बढ़ा भी सकता है और जरूरत पड़ने पे घटा भी सकता है। बताओ, मैं दौड़ने लगूं, अगर मैं रनिंग करने लगूं, मेरा हार्ट बीट बढ़ जाएगा। अगर मेरा हार्ट बीट बढ़ गया तो मैंने थोड़ा ना बढ़ाया, मेरे सोचने से थोड़ा ना बढ़ा, ऑटोमेटिक बढ़ गया। अब कितना बढ़ना है? मैंने थोड़ा ना बढ़ाया कि भाई अब 90 हो जा, एक्सीलेटर थोड़ा ना लगा हुआ है 90, 120, 140, ऐसा थोड़ा ना होता है। सीधे सीधे बढ़ रहा है, अब ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। अच्छा, मैं एकदम से आराम से आकर के थक के बैठ गया, अगर मैं एकदम थक के बैठ जाऊं
तो बताओ फिर क्या होने लगेगी, धड़कने घटने लगेंगी या बढ़ने लगेंगी? और अगर धड़कने घटने लगी तो फिर बताओ फिर कहां पे आके रुक जाएंगी? 72 के अप्रोक्स, मैं एवरेज वैल्यू बता रहा हूँ, 72 के अप्रोक्स आकर के धड़कने रुक जाएंगी। बोलो सही है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है? तो यानी इस समय किसने काम किया? कार्डियक सेंटर, और किसके अंडर में काम किया? ANS। ये ऐसे नोड को क्या होता है, अपनी जरूरत के हिसाब से बढ़ाता और घटाता है, ठीक है ना? यानी ऐसे नोड को इस समय क्या करेगा, इसमें भी दो भाग है, पता है आपको, इसमें भी दो भाग है, इसमें भी दो सिस्टम लगे हुए, एक है SNS और एक है PNS। SNS को बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक को बोलते हैं जो इसके पैरेलल है, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इज दैट क्लियर? जब जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा तो क्या होगा? देखो आप, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा तो क्या होगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको भी दो भागों में बांट दूं। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, पहली बात तो ये काम कब करता है, इमरजेंसी कंडीशन में। जैसे मैं दौड़ रहा हूं, दौड़ते समय क्या हो गया, इमरजेंसी कंडीशन है ना, कोई फालतू में तो दौड़ेगा नहीं। अच्छा अभी तो मैं दौड़ दौड़ के पढ़ा नहीं रहा हूं, क्या है? इधर फिर उधर फिर इधर के फिर उधर, अरे कौन सी इमरजेंसी है, या तो इमरजेंसी वाली होगी या तो दो नंबर वाली होगी, लेकिन ऐसी मुझे कोई नंबर नहीं, अभी जीरो नंबर पे हूं मैं, है ना? इसका मतलब कोई इमरजेंसी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इस समय जब जब आप किसी इमरजेंसी कंडीशन में होगे तो आपकी हार्ट बीट कौन बढ़ाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करेगा, वर्क्स इन इमरजेंसी, वर्क्स इन इमरजेंसी, यानी जब बहुत जरूरी कुछ होगा तब तब ये काम करेगा। और ये क्या करता है, ये दो तीन काम करता है, ये स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा देगा, ये हार्ट बीट रेट को बढ़ा देगा, ये अगर दोनों बढ़ गया तो दोनों के गुणा कर देने को, दोनों के मल्टीप्लाई को क्या बोलते थे, कार्डियक आउटपुट, तो ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देगा, ये हार्ट के पंपिंग फोर्स को बढ़ा देगा, ठीक है ना? लिख देते हैं, ये वेंट्रिकुलर एक्टिविटी को बढ़ा देगा, ये उसके फोर्स को बढ़ा देगा, कुल मिलाकर के इसने हार्ट बीट को बढ़ाया। कब बढ़ाया, इमरजेंसी में। लेकिन एक बार बताओ, हमेशा इमरजेंसी रहती है कि आके चली जाती है? जैसे लाइफ में मुसीबतें आके चली जाती हैं, वैसे ही क्या होता है, वैसे ही इमरजेंसी भी आके चली जाती है। भाई आज है कल नहीं रहेगी, इस पल है अगले पल गायब, इसीलिए घबराना नहीं है उससे। जैसे लाइफ में मुसीबत आती है और कुछ लोग घबरा जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, नहीं मैं लाइफ से उब गया हूं, नहीं लाइफ से उबो नहीं, लाइफ को उबाओ, लाइफ आपसे उब जाए, भाई जी ले अपनी जिंदगी, लाइफ कहे जी ले अपनी जिंदगी हिसाब से, अब मैं उब गई हूं, सही है ना? चलो इसका मतलब क्या हुआ कि जीवन में संघर्ष के दिन आते रहेंगे, लेकिन उससे घबराओ नहीं, उससे उबर जाओ, उससे ऊपर निकल जाओ, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है, अब इमरजेंसी मान लो खत्म हो गई, अगर इमरजेंसी खत्म हो गई तो अब पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अब इमरजेंसी से नॉर्मलाइज करेगा। तो बताओ पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम कब करेगा, इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी के बाद करेगा, यानी वर्क्स आफ्टर इमरजेंसी। हम लिख सकते हैं नॉर्मल स्टेज में काम करेगा, राइट? यानी नॉर्मल कंडीशंस में काम करेगा, क्योंकि हमें हर चीज वापस नॉर्मल करना है। तो बताओ क्या क्या हो जाएगा, बताओ, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, हार्ट बीट रेट कम हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, वेंट्रिकुलर एक्टिविटी
जो फोर्स लग रहा था वो कम हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा सामान्य, सब कुछ नॉर्मल आ जाएगा। जितनी हमारी चीजें नॉर्मल होनी चाहिए थी वो नॉर्मल हो जाएंगी। तो बताओ समझ में आ गया कि नहीं? मेडुला में कौन सा सेंटर होता है? कार्डियक सेंटर। ये कार्डियक सेंटर किसके अधीन होता है? ANS, ऑटोमेटिक की हमारी इच्छा से ऑटोमेटिक। और ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है इसमें भी दो भाग हैं, एक इमरजेंसी में काम करेगा और एक इमरजेंसी से वापस लाएगा। जो इमरजेंसी में काम करेगा वो ये वाला है। मान लो आपको कोई फोन आया अचानक से और कोई कैजुअलिटी हो गई कि अब दादाजी नहीं रहे। मान लो एक एग्जांपल ले रहे, भगवान ना करे ऐसा हो, पर एक बात बता रहे, कोई नहीं रहा, देखो जीवन का सच है, जो आया है वो जाएगा, मैं भी मरूंगा, ये सच है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई नहीं रहा, अब आप एकदम शॉक्ड हो गए, उस समय आपकी बॉडी में इमरजेंसी आ गई कि नहीं आ गई? अब इमरजेंसी आ गई तो बताओ हार्ट बीट, ये कौन सा सिस्टम काम करेगा? SNS यानी सिंपैथेटिक, और सिंपैथेटिक आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा देगा, ऐसे नोड को तेजी से एक्टिवेट कर देगा। ये देखो इमरजेंसी में स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया, हार्ट बीट रेट बढ़ गई, कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, वेंट्रिकुलर एक्टिविटी बढ़ गई, फोर्स बढ़ गया और आपका दिल घबराने लगता है, बिल्कुल है ना, दिल घबराए रहा ना जाए, कुछ ऐसी हालत हो जाएगी, सीना ज्यादा निकलने लगेगा, क्योंकि ये तो हार्ट की एक्टिविटी देख रहे हो, पूरी बॉडी पे काम करता है। बताओ इमरजेंसी में पसीना ज्यादा निकलेगा कि कम? घबराहट होने लगेगी कि नहीं? मुंह सूखने लगेगा कि नहीं? ठीक है ना, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, ठीक है ना, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, गला सूखेगा, प्यास बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि गला सूख रहा है, प्यास बढ़ जाएगी, और भी ऐसी कुछ और कंडीशन है जो ये पैदा कर देता है। फिलहाल हम लोग केवल इफेक्ट कहां पे देख रहे हैं? हार्ट पे। हार्ट का प्यास से कोई मतलब नहीं है, हार्ट का भूख से कोई मतलब नहीं है, है ना, हार्ट का पंपिंग से मतलब था तो मैंने पंपिंग की बात करी, हालांकि इसका बहुत सारा काम है, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ हार्ट तक सीमित रह के सोचने को बोल रहा हूँ, राइट। अब जब इमरजेंसी खत्म हो गई, भाई एक दिन दो दिन आप खाना नहीं खाओगे, तीन दिन उदास रहोगे, चार दिन उदास रहोगे, तेरहवीं तक उदास रहोगे, जैसे चौदहवीं आई, 13 दिन के बाद जब चौदहवीं आई तो उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे खाना खाने लगोगे, क्या करोगे, भूलना इंसान की फितरत में है, नहीं भूलेगा तो हमेशा दुखी ही रहेगा, सही है ना, तो भूलना पड़ता है, लाइफ जीनी है तो चीजें पिछली भूलने का मतलब ये नहीं होता है, सब कॉन्शियस माइंड में रहता है लेकिन कॉन्शियस माइंड में नहीं रहता, ऐसा थोड़ा ना है कि कोई नहीं रहा हमारी लाइफ में तो हम भूल जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सब कॉन्शियस माइंड में तो वो चीजें चली गई पर कॉन्शियस माइंड में नहीं है, कभी अकेले बैठोगे फिर चीजें याद आएंगी, तो कहने का मतलब है फिर दुखी नहीं होगे क्योंकि आपका आपकी लाइफ में बहुत सारी नई नई चीजें होती रहती हैं, तो पुरानी चीजें डिलीट होती जाती है, नई चीजें ऐड होती चली जाती है, ठीक है ना। तो उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने काम कर चुका है, अब बताओ इमरजेंसी जब चली गई तो अब बताओ आपका कौन सा सिस्टम काम कर रहा है? हाँ, तो जब इमरजेंसी होती है तो सिंपैथेटिक, इमरजेंसी से वापस लाने के लिए पैरासिंपैथेटिक। इज दैट क्लियर? हो गई बात? कोई डाउट? सर आपने कहा था कि नर्वस सिस्टम के साथ साथ इसका भाई भी काम करता है, और नर्वस सिस्टम का भाई कौन है? एंडोक्राइन सिस्टम। वो कहां गया? आ रहा है, वेट करो, वो भी आ रहा है। देखो यहां लिखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र। सुना है? क्या निकालता है? हार्मोन्स। और यहां से एक हार्मोन निकलता है, इस यहां से ग्लैंड होती है, नाम है एड्रीनल मेडुला। वहां से एक हार्मोन निकलता है, नाम है एड्रीनल। इसी को नेफ्रीन भी कहते हैं। और ये इसको जाके सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? SNS को सपोर्ट करता है। और बताओ वही काम करेगा जो SNS कर रहा है? बताओ, मैं पूछूं एड्रीनलिन या एपिनेफ्रीन क्या करता है? एड्रीनलिन या एपिनेफ्रीन क्या करता है? SNS को सपोर्ट करता है, यानी हार्ट बीट को बढ़ाएगा कि घटाएगा? अच्छा बताओ, हार्ट स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाएगा कि घटाएगा? कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा कि घटाएगा?
वेंट्रिकुलर एक्टिविटी बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा ना, उसी तरह से हार्ट पर जो पंपिंग फोर्स है वो बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा, ठीक है। और यहीं से एक और हार्मोन निकलता है जो यहां जाके काम करेगा, उसका नाम है, देखो इस ग्लैंड से नहीं निकलता, दूसरी जगह से निकलता है, नाम बता दे रहा हूं, एसिटाइल कोलीन। एसिटाइल कोलीन, एसिटाइल कोलीन निकलता है, और एसिटाइल कोलीन कहां जाके सपोर्ट करता है? पीएनएस को। जैसे एड्रेनालिन ने सपोर्ट किया एसएनएस को, वैसे ही एसिटाइल कोलीन ने किसको सपोर्ट किया? पीएनएस को। और काम वही होगा, ये हर चीज घटाएगा, ये हर चीज बढ़ाएगा। अब देख लो हमारे हार्ट पे डुअल कंट्रोल है कि सिंगल? डुअल कंट्रोल है। बताओ, एक फास्ट तरीके से काम कर रहा है, एक स्लो तरीके से काम कर रहा है, पर दोनों मिलजुल के काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में कि अनकोऑर्डिनेटेड वे में? कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। इसीलिए आप दो चैप्टर पढ़ोगे, आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में दो चैप्टर पढ़ोगे, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और फिर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नर्वस कंट्रोल में नर्वस सिस्टम का कंट्रोल देखेंगे, और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हार्मोन का कंट्रोल देखेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया? इतनी बातें क्लियर हो गई? कोई डाउट? हार्ट डिजीजेस, हार्ट के रोग, हार्ट डिजीजेस मतलब हार्ट के रोग। अब हार्ट के रोग देखने हमें, सबसे पहला है हाइपरटेंशन। सुना है? हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई बीपी। हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है इसमें? जब हमारा हार्ट का वेंट्रिकल सिस्टोलिक कंडीशन में होता है, उस समय जो हमारा एरोटा पर प्रेशर पड़ रहा होता है, ये एरोटा है ना, एरोटा, जब हमारा हार्ट सिस्टोलिक कंडीशन में होता है, जब हमारे का वेंट्रिकल सिस्टोलिक कंडीशन में होता है, तो हमारे एरोटा पर मैक्सिमम प्रेशर पड़ रहा होता है। यहां पर मैक्सिमम प्रेशर की मिनिमम, मैक्सिमम प्रेशर, उस प्रेशर को अगर हम लोग मेजर कर लें तो उसे बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्योंकि हार्ट किस अवस्था में? सिस्टोल, तो उसे बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और इसको मेजर करते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर। बताओ किस इक्विपमेंट से करते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर। इससे क्या मेजर की जाती है? बीपी। इससे बीपी मेजर करते हैं, याद रखिएगा। और बीपी मेजर की जाती है यहाँ की आर्टरी से, देखा होगा, लपेट देते हैं, और उसके बाद फिर वो, अब आजकल तो ऑटोमेटिक मशीन आ गई, पहले मैनुअल पंप करो और फिर स्टेथोस्कोप चेक करो। तो स्फिग्मो मैनोमीटर बीपी मेजर करते हैं। और बीपी कहां से मेजर की जाती है? मेजर्ड फ्रॉम लेफ्ट ब्रैकियल आर्टरी। यहां वाली लेफ्ट ब्रैकियल आर्टरी से करते हैं, ब्रैकियल यानी बाहों की आर्टरी, लेफ्ट ब्रैकियल आर्टरी से करते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई? और जब इसका वैल्यू निकालेंगे, जब इस वैल्यू को हम इवैल्यूएट करेंगे, तो इस मशीन से इस वैल्यू को निकालेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या उच्च रक्त दाब कितना होना चाहिए,
ये होना चाहिए 120 mmHg, ठीक है ना। अब हम करते हैं इसको, अब देखो अब हार्ट किस अवस्था में होगा, अब हार्ट आ चुका है डायस्टोल अवस्था में, उस समय क्या होगा, हार्ट का ये हिस्सा जिसका नाम द वेंट्रिकल, अब वो किस अवस्था में है, डायस्टोलिक अवस्था में है। उस समय जब हम यहां पर प्रेशर मेजर करेंगे, जब यहां पर ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे तो उस समय जो हमें वैल्यू मिलेगी उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना आता है, इसको मेजर करेंगे तो यह आएगा 80 mmHg, यानी 80 mmHg, या निम्न रक्त दाब यानी कि लो ब्लड प्रेशर। तो यानी स्वस्थ व्यक्ति का यानी नॉर्मल पर्सन का बीपी कितना होना चाहिए, नॉर्मल पर्सन का बीपी होना चाहिए 120-80 mmHg। नॉर्मल व्यक्ति का बीपी कितना होना चाहिए, पहले सिस्टोल लिखते हैं और फिर डायस्टोल। अगर किसी ने आपको बोल दिया आपका बीपी 80-120 है तो आपको समझो उसको कुछ आता ही नहीं, उस वो बिल्कुल अनाड़ी है, क्योंकि हमेशा हाई बीपी बोला जाता है फिर लो बीपी, ठीक है ना। कभी भी देखना डॉक्टर तुरंत बोलेगा आपका बीपी बताएगा तो हमेशा वो कितना बताएगा, पहले सिस्टोलिक फिर डायस्टोलिक, क्योंकि पहले हार्ट का सिस्टोल होता है तब तो डायस्टोल होगा। अच्छा पहले डायस्टोल हो जाएगा फिर सिस्टोल, ऐसा थोड़ा ना होता है। यानी कि पहले हमेशा कौन सा बीपी 120, कौन सा बीपी 80, तो 120-80 होगा, 120-80 होगा, याद रखिएगा 80-120 नहीं होगा। इतनी बातें क्लियर हैं, यहां तक बातें सभी को क्लियर है। यदि किसी व्यक्ति या पर्सन का बीपी बार बार मेजर करने पर 140-90 या इसके ऊपर चला जाए, तो पर्सन हाई बीपी की प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। हाई बीपी का मतलब हो गया हाइपर टेंशन। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है एंजाइटी के कारण, एंजाइटी यानी घबराहट के कारण, ऐसा किसी टेंशन लेने के कारण, स्ट्रेस के कारण, कोई टेंशन ले लो उसके कारण, ठीक है ना। सॉल्टी डाइट खाओ, NaCl रिच डाइट ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट ले रहे हैं, एक्सेट्रा, ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। बहुत ज्यादा मोटापा है, तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंजाइटी मतलब घबराहट, स्ट्रेस जानते हो, कोई स्ट्रेस ले लेना, कोई टेंशन ले लेना, NaCl रिच डाइट, नमक बहुत ज्यादा खाना, कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज्यादा सेवन करना, या फिर ओबेसिटी यानी मोटापा, ये सब कारण हो सकते हैं।
ये सब कारण हो सकते हैं, और भी अन्य कारण हो सकते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात तो ये है, क्या इंपॉर्टेंट बात तो ये है, कि जब भी कोई भी व्यक्ति के अंदर हाई बीपी की समस्या आती है तो उसका बीपी हाई हो जाता है। अब बीपी हाई हो जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स कहां आती है, ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा है, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा है, ठीक है ना। ब्रेन की नस नाजुक होती, फट जाएंगी, पहला क्या हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक, यहां लिखे बैड इंपैक्ट, क्या आएगा, बैड इंपैक्ट ये आएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, और क्या हो सकता है, वाइटल ऑर्गन नष्ट हो सकते हैं, वाइटल ऑर्गन में क्या आता है, खुद ब्रेन आता है, खुद हार्ट आता है, हार्ट फेल हो जाएगा, किडनी आती है, लिवर आता है, ये सब नष्ट हो जाएंगे। यानी कि हाई बीपी एक साइलेंट किलर है, अंदर ही अंदर सबको नष्ट कर देगी, कुछ पता भी नहीं चलेगा। हाई बीपी की समस्या एक साइलेंट किलर है और अंदर ही अंदर नष्ट कर देगी हमारे वाइटल ऑर्गन्स को। हालांकि लो बीपी हमारे सिलेबस में नहीं है, पर एक बातें मैं कहूंगा कि अगर हमारा बीपी 90-60 के नीचे चला जाए, 90-60 या उसके नीचे चला जाए, तो ये लो बीपी की समस्या होती है और ये भी बहुत खतरनाक है। अगर 90-60 के नीचे चला जाए तो लो बीपी की समस्या होती है और ये भी बहुत खतरनाक है। और हाई बीपी इज वेरी कॉमन इन मेल एंड लो बीपी इज वेरी कॉमन इन फीमेल। हाई बीपी की समस्या किसमें होती है और लो बीपी की समस्या किसमें होती है, चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं। अब है हमारी एक प्रॉब्लम कैड, कैड का मतलब है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। दूसरी समस्या है कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। अभी अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि हार्ट को एक ब्लड सप्लाई की जाती है जिसका नाम था कोरोनरी आर्टरी। इस कोरोनरी आर्टरी में ब्लड का थक्का जम जाता है, ब्लड का किसी चीज का थक्का जम जाता है, क्या जमता है अभी बता रहा हूं। ये देखो, यहां पे जम जाता है ब्लड क्लॉट या फिर प्लेक, प्लेक इसे बोलते हैं
एथीरोस्क्लेरोसिस, एथीरोस्क्लेरोसिस, कहीं पे कोई क्लॉट जम जाए तो उसे क्या बोलते हैं? एथीरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, यानी कि हमारी कोरोनरी आर्टरी में क्या हो गया? एथीरोस्क्लेरोसिस, कोई चीज जम गई है जिससे इसका जो ल्यूमेन है वो नैरो हो गया। ल्यूमेन कैसा हो गया? नैरो, इसका ल्यूमेन नैरो हो गया। ल्यूमेन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ल्यूमेन ऑफ कोरोनरी आर्टरी विल बी नैरो, विल बी नैरो। अच्छा, क्या क्या जमा होता है यहां पे? डिपोजिशन हो जाता है, देयर इज डिपोजिशन ऑफ, क्या सुना है, क्या क्या नहीं खाना चाहिए? बहुत फैटी चीजें नहीं खानी चाहिए, बहुत कोलेस्ट्रॉल नहीं खाना चाहिए, कैल्शियम आयन भी यहां इकट्ठा हो जाता है और फाइबर्स इकट्ठा हो जाते हैं। फाइबर्स यानी ये सारी चीजें इकट्ठा हो जाती हैं। जब ये सारी चीजें वहां इकट्ठा हो जाती हैं तो वहां बन जाता है ब्लड का थक्का, और जो ब्लड का थक्का होता है वो क्या क्रिएट कर देता है? ल्यूमेन को नैरो कर देता है। ल्यूमेन को क्या कर देता है? नैरो। इससे ल्यूमेन क्या हो चुका है? नैरो। ल्यूमेन हो जाता है नैरो, और जब ल्यूमेन नैरो हो जाता है तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है? प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि हार्ट की मसल्स को, हार्ट की मसल्स में घट जाती है। नीचे एरो का मतलब कम होना, घट जाती है, और इससे हार्ट की मसल वीक हो जाती है। हार्ट मसल वीक, और हार्ट मसल वीक हो गई तो हार्ट पे अटैक आ गया, यानी लीड्स टू क्या क्रिएट हो जाएगा? हार्ट अटैक। अब समझ में आई बात? हार्ट अटैक, या फिर इसी को बोलते हैं मायोकार्डियल इंफरक्शन, मायोकार्डियल इंफरक्शन। ये आई लिखा है, आई एन, मायोकार्डियल इंफारेक्ट। इसका इलाज ये है, इसका इलाज ये है, या तो यहां पे क्या बलूनिंग कर देंगे। बलूनिंग करते हैं मतलब क्या, एक यहां से ऑपरेशन कर देते हैं छोटा सा आर्टरी से, और यहां से एक कैथेटर डाल, यानी एक वायर टाइप का डाल देते हैं, वायर टाइप का डालते हैं, और अंदर डालने के बाद उस बलून लगता है, वाला बलून नहीं कि वो बलून बायोलॉजिकल होता है, बायोलॉजिकल बलून होता है, वो अंदर ले जाके फुला देते हैं। फुलाने के बाद क्या करते हैं, इस कचरे को साफ कर देते हैं अंदर ही अंदर, तो कैमरे पे पूरा दिखता है, लाइव कैमरे पे लाइव दिखता है। तो उसमें क्या होता है, छोटा सा चीरा लगा और व्यक्ति के अंदर बलूनिंग कर दी गई, सही हो गया। या फिर पता क्या करते हैं, हमारी कहीं पैर की कोई नस काट ली गई, पैर की नस काट करके और यहां से बाईपास कर दी गई। देखो उसको सुना होगा आपने, बाईपास सर्जरी, यहां से यहां पे क्या कर दिया, बाईपास। अब देखो खून यहां से यहां चला जाएगा, खून यहां से यहां चला जाएगा, ये रास्ते से कोई मतलब ही नहीं है। और चूंकि ये नस हमारी खुद की है, इसलिए क्या रिजेक्ट होगी कि नहीं होगी? हमारी चीजें हमें रिजेक्ट करती है कि नहीं करती? नहीं करती। अगर किसी और की बॉडी की ये नस होती तो हमारी बॉडी उसे पहचान जाती और रिजेक्ट कर देती। ये हमारी बॉडी की क्वालिटी है, हमारी बॉडी अपने और परायों का भेद कर लेती है, अपनी चीजों को एक्सेप्ट कर लेती है, पराई चीजों को रिजेक्ट कर देती है। और इसकी ये क्षमता हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 ऑफ 12th एनसीईआरटी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में। इसको बोलते हैं कैप्च, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्रेफ्टिंग। क्या बोलते हैं इसे? व्हाट इज कैप्च? आर्टरी बाईपास ग्रेफ्टिंग। कभी कभी क्या करते हैं, यहां पे एक स्टील की जाली लगा देते हैं, स्टेनलेस स्टील जिसमें जंग ना लगे, वो एक जाली लगा देते हैं, उसको बोलते हैं स्टेंट। क्या बोलते हैं? स्टेंट। कभी कभी स्टेंट लगा देते हैं। तो कई तरीके हैं, बलूनिंग, स्टेंट, कैप्च,
कुछ ना कुछ तरीके से सही कर लेते हैं। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को। कोई डाउट? अब चलते हैं थर्ड वाली डिजीज पे। थर्ड वाली डिजीज है एंजाइना पेक्टोरिस। कौन सी डिजीज है? एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें क्या होता है, हार्ट को कभी कभी ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है, थक्का नहीं जमा, कभी कभार अपने आप ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है। कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ कारण होते हैं जिसके कारण ब्लड सप्लाई की कमी हो गई, यानी हार्ट में जो ब्लड जा रहा था उसमें क्या हो गया, उसकी कमी हो गई। यानी कभी कभी हार्ट में जाने वाले ब्लड की कमी हो जाती है, कभी कभी हार्ट में जाने वाले ब्लड की कमी हो जाती है। अच्छा, अब अगर हार्ट में जो ब्लड जा रहा है उसकी कमी होगी तो हार्ट को कम ऑक्सीजन मिलेगी कि ज्यादा? यानी हार्ट गेट लेस ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन कम मिलेगा तो इसकी वजह से हो जाएगा मायोकार्डियल, याद करो मैंने बताया था मायोकार्डियल इस्कीमिया, मायोकार्डियल इस्कीमिया। और जब भी मायोकार्डियल इस्कीमिया होगा तो सोच के देखो, जो हार्ट की मसल है, जो हार्ट मसल है, उसको ऑक्सीजन कम मिलेगा। जब ऑक्सीजन की, जब हार्ट की मसल को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो यहां हो जाएगा डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। बोलो क्यों? क्योंकि जब भी कभी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या इकट्ठा होने लगता है, लैक्टिक एसिड। और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और जब एनएरोबिक या अनाक्सीकृत रेस्पिरेशन होगा तो लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाएगा, और इसी लैक्टिक एसिड डिपॉजिट की वजह से क्या होगा, हार्ट मसल फैटी हो जाएंगी, हार्ट मसल फैटी। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, सीवियर पेन, सीवियर पेन, सीवियर पेन इन चेस्ट। और इसी को बोलते हैं, चूंकि चेस्ट में होगा और ये पेक्टोरल गर्डल है तो यहां तक आ जाएगा दर्द, दर्द यहां तक आएगा कंधे में तक होते हुए पूरा इस पूरी जगह पे, ठीक है ना, इस पूरी जगह पे होगा। क्लियर? तो सीवियर पेन इन चेस्ट, और यही कहलाता है एंजाइना पेक्टोरिस, क्योंकि पेक्टोरल गर्डल तक आ जाता है तो एंजाइना पेक्टोरिस। और एंजाइना पेक्टोरिस इज कॉमन इन किसी भी एज में हो सकता है, ये किसी भी एज में हो सकता है, याद रखिएगा। कैन बी नोटिस्ड इन एनी एज इन मेल एंड फीमेल, बट मोर कॉमन इन एल्डर्स एंड, बट मोर कॉमन इन एल्डर्स एंड मिडिल एज। तो याद रखिएगा, ज्यादा कॉमन कब है, एल्डर्स और मिडिल एज वालों में। वैसे तो किसी भी एज में हो सकता है, पर अगर कोई पूछे ज्यादा कॉमन किसमें, तो एल्डर्स और मिडिल एज पर्सन में। इज दैट क्लियर?
इज दैट क्लियर? अब एक रोग है, एक रोग है हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर में क्या होता है? अच्छा, अगर मैं बोलूं हम एग्जाम में फेल हो गए, मतलब हमने, हमें जो करना था वो हम नहीं कर पाए, हमें जो काम करना था वो हम नहीं कर पाए, तो हार्ट फेल्योर का मतलब क्या हो रहा है? हार्ट अपने काम में फेल हो गया। हार्ट का काम क्या था? ब्लड को पंप करना। अब वो पंप नहीं कर पा रहा है, वो हार्ट को, हार्ट जो है शरीर को जितना ब्लड चाहिए कि वो उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, तो इसी को बोलते हैं हार्ट फेल्योर। मतलब हार्ट फेल्योर इज द कंडीशन इन विच हार्ट इज अनेबल टू पंप sufficient blood to the body, यानी heart जितना blood pump करना चाहिए उतना blood शरीर को pump नहीं कर पा रहा। लिख देता हूं हिंदी में, heart को body में जितना ब्लड पंप करना है उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता है। इसी को बोलते हैं हार्ट फेल्योर। ठीक है, इसका मेन कारण है ऐसे नोड का फेल हो जाना, ऐसे नोड फेल। और अगर ऐसे नोड फेल हो गई तो हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी, और इस समय हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। ठीक है ना, हार्ट फेल। और इस समय नया पेसमेकर लगाना पड़ेगा व्यक्ति को। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, कभी कभी लंग्स में ब्लड जम जाता है, कभी कभी लंग्स में ब्लड जम जाता है, यानी इसको बोलते कंजेशन, कंजेशन, तभी से बोलते कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। कभी कभी लंग्स में ब्लड जम गया तो लंग्स भी काम करना बंद कर जाएंगे, तो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, इसे एनसीईआरटी ने बोला है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। देखो, जब लंग्स में ब्लड जम जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। देखो, हम लोग एनसीईआरटी पूरी लेके चल रहे हैं, एनसीईआरटी की एक लाइन का मतलब बता रहे हैं, उसमें क्या होता है ये भी क्लियर किया जा रहा है। तो यानी कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, कभी कभी हार्ट में, कभी कभी लंग्स में क्या जम जाता है? ब्लड, ब्लड इकट्ठा हो जाता है। ब्लड इकट्ठा हो जाने से अब बताओ क्या होगा, क्या हार्ट, क्या लंग्स काम कर पाएंगे? नहीं। इस तरह के हार्ट फेल्योर को कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर बोलेंगे, इसमें तो सीधे डेथ होने का चांस है। वैसे ही हार्ट फेल्योर बहुत खतरनाक है, और ये तो महा खतरनाक है, ये बहुत फैटल होता है, ये बहुत फैटल होता है, जान चली जाएगी। इतनी बातें क्लियर हो गई?
अब देखो, अब एक होता है कार्डियक अरेस्ट, इसी में है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, एवी नोड फेल हो जाता है, एवी जब एवी नोड फेल हो जाएगा तो क्या संवेदना वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर तक आएगी, यानी नो इंपल्स विल रीच इन वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। इसका मतलब नो पंपिंग नहीं होगा, मतलब क्या हो जाएगा, हार्ट इज ब्लॉक्ड। हार्ट ब्लॉक है तो बोलते कार्डियक अरेस्ट, ये वही वाला केस है प्रेरणा और सिद्धार्थ वाला, कल बताया था, पीप 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 पीप, है ना। चलो, एवी नोड फेल हो जाता है, नो इंपल्स विल रीच इन वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। फिर देखा होगा वो भी करते थे, उसमें एक कहानी में चीजें छूट थी, वो एक करंट देते ना ऐसे पकड़ के, आयरन जैसा होता है, यहां चुहाते हैं उछलता है, फिर चुहाते हैं फिर उछलता है, फिर चुहाते हैं फिर उछलता है, तब तक प्रेरणा की एंट्री हो रही होती है, जैसे लास्ट बार चुहाते हैं डॉक्टर एकदम निराश चुहाते कहते हैं यार छोड़ो, तब तक प्रेरणा आती है, लास्ट बार छुआया एकदम से हिल गया, आंखें खुल गई टक, आंखें बंद थी टक खुल गई एकदम से, सिद्धार्थ जिंदा, फिर से सिद्धार्थ और प्रेरणा एक हो गए, कहानी घर घर की। चलो है ना, तो इसलिए डॉक्टर साहब ने सोचा कि अब की बार जब भी कोई पेशेंट बीमार पड़ेगा तो प्रेरणा को बुला के प्रेरणा ले लेंगे, है ना। चलो तो देखो, एवी नोड फेल हो गया, नो इंपल्स विल रीच, इसके लिए क्या करते हैं, उसको बोलते हैं डीफाइब्रिलेटर। क्या बोलते हैं, डीफाइब्रिलेटर, यानी फाइब्रिलेटर जो यूज करते हैं, ठीक है, वही जो होता है करंट देते हैं उसे फाइब्रिलेटर। कभी कभी क्या होता है, करंट अचानक से गायब हो गई, अब करंट गायब हो गई, कभी कभी बाहर से करंट देने पर हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है, अपने आप एक्साइट हो जाता है और फिर से धड़कने चालू हो जाती है। हमने बताया ना, कभी कभी करंट देने से, बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुली देने से फिर से क्या होता है, हार्ट बीट जनरेट हो सकती है, ऐसा बहुत कम होता है पर हो सकता है, क्योंकि आखिरी क्षण तक डॉक्टर कभी अपनी वो अपॉइंटमेंट नहीं छोड़ता, है ना, अपॉइंट रहता है, डिसअपॉइंट नहीं होता। चलो नेक्स्ट और आखिरी बात है, ये जो बता चुका हूं, हार्ट अटैक, यानी हार्ट अटैक अलग होता है, हार्ट फेल्योर अलग होता है, कार्डियक अरेस्ट अलग होता है। हार्ट अटैक क्या होता है, वही कैड के कारण, ड्यू टू कैड, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल डिक्रीज ड्यू टू, याद करो अभी अभी एक वर्ड बताया था, एथेरोस्क्लेरोसिस, है ना, स्क्लेरोसिस, यानी कि कोरोनरी आर्टरी में क्या हो गया है, कोरोनरी आर्टरी इज ब्लॉक्ड, यानी यहाँ पे क्लॉट आ गया है, इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ पे इसका इंजेक्शन लगाते हैं, जो आपके सिलेबस में है 12th के एनसीईआरटी में, स्ट्रिप्टोकाइनेज, एज लगा है ना, एंजाइम है, और ये क्लॉट बस्टर, और इसका इंजेक्शन लगाने से क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है, क्लॉट डिसॉल्व्ड, और अगर फिर भी नहीं डिसॉल्व होगा तो बताए कैप्च कर देंगे, या तो स्टेंट लगा देंगे, और या तो क्या करा देंगे, हाँ, या तो फिर कर देंगे क्या, बलूनिंग, इज दैट क्लियर। और इसी को एक और नाम दिया था, याद करो इसी को क्या नाम दिया था, मायोकार्डियल इन्फरेक्शन,
याद है? क्लॉड बस्टर का नाम बताओ। स्ट्रिप्टो काइनेस। क्लॉड बस्टर किसे कहते हैं? स्ट्रिप्टो काइनेस। क्लॉड बस्टर किसे कहते हैं? स्ट्रिप्टो काइनेस। इज दैट क्लियर? देखो क्या लिखा है, हार्मफुल सब्सटेंस अवे फ्रॉम, ये तो हो गया था यहां से। एक वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक लिवर, डाइजेस्टिव ट्रैक यानी GIT और लिवर के बीच में कुछ ट्रैक्ट बन गया है, उसे बोलते थे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज द ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लिवर बिफोर इट इज डिलीवरिंग टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मतलब हार्ट में लाने से पहले लिवर में ले जाएगी। हार्ट में पहले ब्लड कहां जाएगा? लिवर में, और लिवर से फिर कहां चला जाएगा? हार्ट में। वही कहलाता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। एक कोरोनरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड वेसल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, एक्सक्लूसिवली सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड टू द कार्डियक मस्कुलेचर, मतलब ये ब्लड कहां ले जाती है? हार्ट की मसल को, और कहां से वापस ले आती है? हार्ट की मसल से, लिखा है ना, टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी वो होगी कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट से ब्लड वापस लाएगी वो होगी कोरोनरी वेन। इज दैट क्लियर? समझ में आई? एक एक बात क्लियर है? नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट रेगुलेटेड इंट्रेंसिकली। इंट्रेंसिकली का मतलब जो किसी बाहरी संवेदना के अंडर में ना हो, जो किसी बाहरी संवेदना के अंडर में ना हो। देखो लिखा है, बताया था ऑटो रेगुलेटेड, सेम वर्ड यूज किया था कि नहीं? ठीक है। और स्पेशल मसल, और मसल का नाम था नोडल टिश्यू, पहले ही पढ़ चुके हैं। और हार्ट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक। हमारा हार्ट कैसा था? मायोजेनिक। स्पेशल न्यूरल सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, मेडुला का पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। ये चेंज कर सकता है मॉडरेट, मतलब चेंज कर सकता है किसको? कार्डियक फंक्शन को। कैसे करता है? थ्रू ANS, ANS के थ्रू करता है ना। ANS में कितने भाग होते हैं? दो, एक सिंपैथेटिक और एक पैरा सिंपैथेटिक। द वन इज सिंपैथेटिक एंड सेकेंड वन इज पैरा सिंपैथेटिक। शॉर्ट में बोलते थे SNS और PNS। लिखा है न्यूरल सिग्नल जब आएगा SNS से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो कि ANS का पार्ट है, तो ये इंक्रीज कर देगा हार्ट बीट रेट को। हार्ट बीट रेट को बढ़ा दिया और क्या करेगा? और स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, मैंने बोला था ये हार्ट के वेंट्रिकल के पंपिंग फोर्स को बढ़ा देता है, ठीक है ना, एंड देयर बाय इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट बढ़ा दिया। जबकि दूसरी तरफ एक और सिस्टम है, वो भी किसका पार्ट है? वो भी है ANS का पार्ट, लेकिन वो क्या करता है? क्या डिक्रीज करेगा? हार्ट बीट रेट को। और क्या करेगा? स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन को भी डिक्रीज करेगा, और इसीलिए क्या कम कर देगा? कार्डियक आउटपुट। एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन निकला था, नाम था एड्रिनलिन, वो क्या करेगा? लेकिन एसिटाइल कोलिन क्या करेगा? घटाएगा। सब कुछ क्लियर? एक एक बात क्लियर? जो NCERT में कमियां हैं वो भी हमने पूरी करी है, मानते हो ना? NCERT से बाहर आएगा नहीं, और कहते ना एक ही पंचलाइन है, NCERT के बाहर आना नहीं तो NCERT के बाहर जाना नहीं, राइट? हाई बीपी, हाइपरटेंशन,
हाइपरटेंशन इज द टर्म ऑफ ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन द नॉर्मल. हमारा नॉर्मल कितना है 120/80. इन दिस मेजरमेंट 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज द सिस्टोलिक और पंपिंग प्रेशर एंड द 80 एम द डायस्टोलिक और रेस्टिंग प्रेशर जब रेस्ट में होता है. बोला इफ रिपीटेड चेक, अगर बार बार चेक करें और बीपी किसी इंडिविजुअल का 140/90 या उससे ऊपर चला जाए, ठीक है ना, या हायर हो जाए, तब इसे बोलते हैं हाइपरटेंशन. हाई बीपी लीड्स टू हार्ट डिजीज. एक तो हार्ट को नुकसान होगा और बहुत सारे वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन को, किडनी को, इनफेक्ट और किसको नुकसान होगा, लीवर को. सही है ना, सब कुछ करा दिया है, कुछ छूटा नहीं है और हमने पूरा सिस्टमेटिकली हर एक फिगर बना बना के आपको चीजें बताई हैं. इसलिए हम लोग एनसीईआरटी को ही डिकोड करते हैं, एनसीईआरटी को ही डिकोड करते हैं, ठीक है ना, ताकि आपका क्या हो, आपको चीजें आसानी से समझ आ जाए और कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो. अब आइए नेक्स्ट. ये देखो लग रहा है कोरोना, चीजों में कुछ ढूंढो क्या है कोरोना. तो कोरोना वास्तव में कोरोना शब्द नया नहीं है, कोरोना पहले भी आ चुका है. 2013 में पहली बार भी चाइना ने ही भेजा था, अब की बार भी चाइना से ही आया है ना. 2013 में भी आ चुका है, लेकिन तब वो माइल्ड फॉर्म था, उतना घातक नहीं था. ये वाला तो पेंडेमिक बन गया, वो पेंडेमिक नहीं था. कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रिफर्ड टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस एट द वेसल्स दैट सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट. यानी हार्ट मसल को जो ब्लड सप्लाई करती है वहां ब्लड जम गया. ब्लड जमने को क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस. इट इज कॉज बाय द डिपोजिशन ऑफ, चार चीजें बताई थी, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइबर्स. और फाइबर्स इकट्ठा हो गए, विच मेक्स द ल्यूमेन नैरो. यानी उसका ल्यूमेन नैरो हो गया. ल्यूमेन नैरो होने से ब्लड सप्लाई हार्ट मस्कुलेचर में कम हो गई और कम होने से हार्ट अटैक आ गया. हार्ट अटैक को लास्ट में बताया एमआई भी कहते हैं, मायोकार्डियल इस्कीमिया की इंफारक्शन. इस्कीमिया की इंफारक्शन, एंजाइना इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस. एंजाइना को और क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस. और इसमें होगा क्या, ए सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स व्हेन नो इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग टू द हार्ट मसल. इस वजह से मैंने डिटेल में बताया लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाएगा, क्या होगी, स्वेलिंग और पेन हो जाएगा, थक जाएंगे हार्ट मसल. और ऐसा मैन और ह्यूमन दोनों में हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, पर मोर कॉमन इन मिडिल एज एंड एल्डर्स. और इसका कारण था ब्लड का फ्लो कम हो जाना, लेकिन थक्का नहीं जमा, थक्के की वजह से नहीं हुआ. ये लास्ट केस है हार्ट फेल्योर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक. हार्ट फेल्योर क्या होता है, ये ऐसी स्टेट है, ये ऐसी अवस्था है हार्ट की व्हेन इट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ बॉडी. मतलब जितनी हो सकता है उतना ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है, पंप नहीं कर पा रहा है. कारण बताया था ऐसे नोड का फेल हो जाना. इट कभी कभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहलाता. क्यों, क्योंकि यहाँ पे खून इकट्ठा हो जाता है, कहाँ पे, लंग्स में. इट वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज. सही है ना. हार्ट फेलियर में क्या हुआ था, एवी नोड फेल हो गया था और उसमें कार्डियक अरेस्ट हो गया था. उसमें हार्ट नहीं लिखा, वो हार्ट फेलियर जो है वो कार्डियक अरेस्ट जैसा नहीं है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में क्या हुआ था, कार्डियक अरेस्ट में एवी नोड फेल हो गया था. और एवी नोड जब फेल हो जाएगा तो संवेदना नहीं पहुंचेगी, कहां नहीं पहुंचेगी, हार्ट में. हार्ट के कहां नहीं पहुंचेगी, वेंट्रिकल में. और इस वजह से वेंट्रिकल काम करना बंद कर देते हैं, हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है. अच्छा एक लास्ट केस बताया था हार्ट अटैक, जब हार्ट के मसल में अचानक से कुछ डैमेज हो जाए और इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो. यानी ब्लड की सप्लाई जब कम हो जाती है किसमें, कोरोनरी आर्टरी में, किसी चीज के इकट्ठा होने की वजह से, तो हार्ट की मसल मरने लगती हैं, हार्ट की मसल डैमेज हो जाती हैं. बस इसी कंडीशन से हो जाता है हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफारक्शन. याद आया, सारी बातें क्लियर हो गई, इतनी बातें क्लियर हो गई ना. यानी चैप्टर एंड हो गया. देखे कुछ डीपीपी से है तो कुछ करा दें.
बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन, बाहुबली क्वेश्चंस, क्योंकि ये सवाल नहीं बवाल है रे बाबा, समझे? चलो लेटेस्ट वाले करें। चलिए पहला, विच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? तो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकंड, सही है, जबकि कार्डियक साइकिल के समय हर एक वेंट्रिकल पंप आउट द 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम। ये क्या कहलाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, सही है। स्ट्रोक वॉल्यूम को जब मल्टीप्लाई कर देंगे हार्ट रेट से तो ये कार्डियक आउटपुट दे देगा Which average 5 liter in healthy individual, ये भी सही है। Cardiac output of the athlete will be lower than the ordinary man, गलत हो गया। फिर देखो, जब भी कभी cardiac cycle चलेगी तो केवल एक heart sound आती है, गलत हो गई, दो आती है। कौन कौन सी दो आती है? Lab and dub, उसके बाद देखो, पहली हार्ट साउंड डब होती है, गलत, पहली हार्ट साउंड क्या होती है? लब, पहली हार्ट साउंड लब होती है। ईसीजी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, सही है कि गलत? फिर टू ऑब्टेन द स्टैंडर्ड ईसीजी द पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विद द 3 लीड, वन ऑन ईच रिस्ट एंड वन टू द लेफ्ट एंकल, सही है, देख लो। इसीलिए देखो अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सवाल नहीं क्या है? बवाल। देखो अभी चल ही रहा है, अभी बवाल चल ही रहा है। पी वेव इन ईसीजी रिप्रेजेंट द एक्साइटेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, सही है। उसके बाद देखो, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, सही है कि गलत है? सही है। टी वेव ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिप्रेजेंट द रिपोलराइजेशन ऑफ रिप्रेजेंट द रिपोलराइजेशन एंड द एंड ऑफ टी वे मार्क द एंड ऑफ डायस्टोल, बोलो सही है ना? ब्लड पंप बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इंटर्स द एरोटा वेयर एज द ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल इंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी, सही है, सही है ना? तो जो जो सही है हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा ये वाला, ये फिल इन द ब्लैंक्स होगा। चलो देखिए कितना आपको आया। यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन exist between the digestive tract and liver is called as hepatic portal vein, याद आया? नहीं, अगर system लिखा तो hepatic portal system। अच्छा, the hepatic portal vein carries the blood from intestine to liver before it is delivered through the systemic circulation, सही है। Normal activity of human heart is auto-regulated by the specialized nodal tissue, hence a heart is called as myogenic, याद करो अभी पढ़ा है। न्यूरल सिग्नल थ्रू द डी नर्व, मतलब कहां से? हाँ, कह रहा बढ़ा रही है तो सिंपैथेटिक, अरे बढ़ा रही है तो, और ये कह रहा है ई नर्व घटाती है यानी पैरा सिंपैथेटिक, बोलो क्लियर? अच्छा फिर देखो, नॉर्मल ब्लड प्रेशर का मतलब 120-80, तो 120- नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120-80, ब्लड प्रेशर ऑफ द एच का मतलब हो गया 140-90 या उससे ऊपर हाइपरटेंशन को दर्शाएगा ना। फिर देखिए, मेजरमेंट ब्लड प्रेशर 120 mmHg ऑफ द प्रेशर इज क्या
फेज ऑफ कार्डियक साइकिल, यानी क्या हो जाएगा? सिस्टोलिक, सिस्टोलिक। अरे और 80 क्या होगा? डायस्टोलिक फेज। अभी अभी किया है हम, बिना देखे आप बता दे रहे हैं ऑप्शन, आप देख देख के नहीं बता पा रहे हो। कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज ऑफन रिफर टू एज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज को बोलते हैं क्या? कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। अब देखो फिर से वही बात आ गई, एथेरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट द ब्लड सप्लाई टू द कार्डियक मस्कुलेचर एंड इज कॉज डिपोजिशन ऑफ एम आयन, कौन सा आयन? कैल्सियम आयन, फैट, और यहां क्या होना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल और फाइबर्स। बोलो अभी किया है ना। एंजाइना में सिम्टम ऑफ क्या होगा? एंजाइना में डैश अपीयर्स, यानी क्या हो जाएगा एंजाइना में? सीवियर चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन हो जाएगा, और इसका कारण था ऑक्सीजन का सप्लाई ना हो पाना। और क्या कह रहा है? दैट इज द स्टेट ऑफ हार्ट वेयर इट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली थ्रू मीट द नीड ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल्योर, उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा जितना शरीर को आवश्यकता है। बोलो सही है कि नहीं? अच्छा नेक्स्ट देखो, हार्ट फेल्योर इज कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग्स इज द वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ द डिजीज। सही है, सही है ना? क्लियर हो गई कि नहीं? एक दो और करते हैं। ये करो, ट्रू फॉल्स, ब्लड इज द स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। सही है, और क्या लिखा है इसमें? और प्लाज्मा स्ट्रक्चर होता है विस्कस। सही है, 90-95% प्लाज्मा में पानी होता है। गलत, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन आर द मेजर प्रोटीन ऑफ द प्लाज्मा। सही है, सही है, सही है कि गलत है? सही है। अब देखो क्या है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन इन प्लाज्मा आर नीडेड फॉर द क्लॉटिंग, क्लॉटिंग ग्लोबुलिन डिफेंस में और एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर में। सही है। अच्छा फॉर्म्ड एलिमेंट 55% होता है। सही है। अच्छा हेल्दी मैन में करीब 5, क्या गलत है? अच्छा फॉर्म्ड एलिमेंट लिखा है, प्लाज्मा होना चाहिए। हाँ तो ये कितना हो जाएगा? 45 होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। प्लाज्मा है तो 55 होना चाहिए। हेल्दी एडल्ट मैन हैज एन एवरेज 5-5.5 लीटर पर मिलीमीटर क्यूब होना चाहिए। वो भी मिलीमीटर लिखा है, पर मिलीमीटर, वो भी क्यूब में, गलत हो गया। हेल्दी पर्सन में 12-16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में। यहां तक तो सही है। और आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द 120 डेज, आफ्टर दैट दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। सही है। प्लाज्मा विद क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम, गलत है, विदाउट होना चाहिए। विदाउट प्लाज्मा, विदाउट। द नंबर ऑफ WBC इन द एडल्ट मैन इज 6,000-8,000 mm³। फिर गलत हो गया। चलो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट WBC, वाइल वाइल लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आर द ग्रेनुलोसाइट। सही है कि गलत है? उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा। ये तीनों है ग्रेनुलोसाइट, ये दोनों है, तो गलत हो गया। ये भी एक करो, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, सही और गलत चुनो। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट ल्यूकोसाइट आर फैगोसिटिक, सही है, यहां तक तो सही है। बेसोफिल आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, बोलो सही है। इओसिनोफिल एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, ये भी सही है। लिम्फोसाइट्स आर टू मेजर टाइप ऑफ बी एंड टी सेल एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, सही है। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट एंड आर सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम द माइक्रोकैरियोसाइट, ये सही है। यहां तक, यहां तक लिखा है प्लेटलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट, यहां तक सही है, और सेल फ्रेगमेंट है, ये भी सही है। ये गलत हो गया, मेगा की माइक्रो, तो गलत हो गया। और ये सही लिखा है ना, लेकिन लेकिन बीच में तो गलती हो गई। पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है एंड पर्सन AB ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, सही है। ए कंडीशन इन विच RS पॉजिटिव मदर हैज सक्सेसिव प्रेगनेंसी विद RS नेगेटिव फिटस, गलत। RS पॉजिटिव होना चाहिए, RS पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये गलत हो गया।
फाइब्रिन आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बिन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? थ्रोम्बिन, सही है ना। प्रोथ्रोम्बिन आर कन्वर्टेड इनटू द थ्रोम्बिन बाय द एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेस। ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। आगे द फ्लूड इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एज लिम्फ और इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन बाय लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विली। सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? सही है, ठीक है ना। फिर फिशेस हैज टू चैम्बर्ड हार्ट। फिशेस में कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं? दो चैम्बर्ड। एम्फीबियंस में तीन चैम्बर्ड और लिखा हुआ है मैमल्स में चार चैम्बर्ड होते हैं। तो सही है, बिल्कुल सही है। देख रहे हो पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जा रहा है ना, पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जा रहा है। तो ये सब हम आपको पीडीएफ कर देंगे, ठीक है ना, ताकि एक बार प्रैक्टिस कर लो। और एक इसकी सीट मिली कि नहीं मिली आपको? हाँ तो चलो मिल जाएगी, अभी कल मिलेगी होम प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए